आज आम किंगडम एनिमलिया रो गोटे इम्पोर्टेंट फाइलम पोरीफेरा विषय में पढ़ा। जदि आपण मैंने हाईस्कल टीचर वेस्टेट एग्जाम प्रिपेरेसन करुवे बायोलोजी सिलेबस जुलोजी यहाँ गोटे इम्पोर्टेंट चैप्टर जोटा कि आम आज ये भिडियो पढ़ा। डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करवा, कम्प्लीट देखिए, सिंपल बुझे चेषा करवा। जदि भिडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एमती कौ चैप्टर दरकार भिडियो तले कमेंट रे मतामत दे पारे कि आउ किछि एक्सप्लेनेशन दरकार कि बेटर दरकार कहीपरिबे। फर्स्ट पोरीफेरा, द वर्ड पोरीफेरा वाज गिवेन बाय रॉबर्ट ग्रांट इन 1825। ए जो शब्दटा पोरीफेरा शब्दटा किए देथिले प्रथमे बा ए शब्दटा कहा द्वारा प्रथमे कोन हेतिला ना आविष्कृत हेतिला, तांको ना होची रॉबर्ट ग्रांट। को मसियारे ना 1825 मसियारे प्रथम थरा पई पोरीफेरा नामक शब्द को रॉबर्ट ग्रांट यूज करथिले। से पोरीफेरा शब्दर अर्थ व्हिच मीन्स पोर बियरिंग, मैंने पोरीफेरार अर्थ हूँ पोर बियरिंग एनिमल्स। सेटा कौन है ना दीटा ग्रीक शब्दर आसी, गोटे हूँ पोरस जार मीन्स हूँ पोरी, आ गोटे हूँ फेरी जार मीन्स हूँ बियर, मैंने धारण करथिबा। जो एनिमल मानकर शरीर में पोर सब अच्छी मानने स्मल स्मल छिद्र छोट छोट कणा गुड़िक थाए कहते कौन ना पोर बियरिंग एनिमल्स पोरीफेरा बा पोरीफेरा फाइलम रो एनिमल को चिन्हिबा को हेले कौन देखिबा ना तांको देह रे सब छोट छोट पोर थिबो बा छोट छोट कणा गुड़िक थिबो। दीज एनिमल्स हाव पोरस बॉडी, पोरस माने कौन तांको भीतर सब तांको देह रे कणा कणा सब थिबो एंड कॉमनली कॉल्ड एज स्पंजेस। से पोरीफेरा मानक आम स्पंज बोली कही था, समस्ते स्पंज व्यवहार करते से स्पंज हो क्या अंडर आसला ना पोरीफेरा अंडर आसे। पोरीफेरा कमन ना हूँ स्पंजेस। स्पाइलम फाइलम पोरीफेरा इनक्लूड्स दि मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, एम हूँ मोस्ट प्रिमिटिव मानने प्रथम प्रथम जिते आम सृष्टि मानने संरचना होती फास्ट कौन है ना यूनिसेलुलर प्रोटोजुआ मैंने आसिले। सेकेंड रे आसी किए ना पोरीफेरा, से मल्टी सेलुलर से बहुकोशीय आखिर कौन ना से बहुत प्राथमिक स्तर मैंने सब प्राणी। द नेम पाराजुआ मीनिंग ए साइड ब्रांच ऑफ मेटाजुआ टू व्हिच फाइलम पोरीफेरा बिलोंग्स वाज गिवेन बाय सोलास, एनिमल नेचर ऑफ स्पंजेस वाज डिस्कवर्ड बाय इलिस हु मूवमेंट ऑफ कि दरकार नहीं। एवं कौन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बा पोरीफेरा को चिन्हिबापाई हेले तांकर जनरल क्यारेक्टर कौन, यही जनरल क्यारेक्टर एम सी क्यू पढ़ू हाईस्कल टीचर। स्पंजेस आर डिप्लोबास्टिक बा से जो पोरीफेरा एनिमल्स आर डिप्लोबास्टिक। डिप्लोबास्टिक मान कौन जितेबाला कौन हुए ना मेल गैमेट और फीमेल गैमेटर फ्यूजन हो कि फर्टिलाइजेशन होगापर जायगोट सृष्टि हुए, जायगोट रु एम्ब्रियो, एम्ब्रियो रु फिटस हम, से फिटस अवस्था कौन हुए ना आमर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो बॉडी रो कौन हुए ना डिफरेंट जर्म लेयर होता है गोटे गोटे हूँ कौन ना एक्टोडर्म लेयर, गोटे गोटे मेजोडर्म, गोटे एंडोडर्म, सेमती तीन टा लेयर बेले बेले थाए कि एमकर हूँ डिप्लोबास्टिक मैंने दीटा जर्म लेयर रु कौन हो ना ओरिजिन हो सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल एम बॉडी पखापाखि कौन ना सामान भाया देखा हो। बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जेहेतु ये डिप्लोबास्टिक एमानकर बॉडीटा एक्टोडर्म और एंडोडर्म रु हेतिबो, एमानकर मेजोडर्म नथिबो, मेजोडर्म बदल रे मेजेनकाइमटा अछि, बुझै गेला। नेक्स्ट को जीवा सबु इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर चलिबे। स्पंजेस आर एक्वाटिक, एमान होचुन्दि कोन ना जलचर प्राणी एंड मोस्टली मेराइन, बहुत भी अछन्दि कोन ना सामुद्रिक बा लूणी जल रे रहन्ति। व्हिच रिमेन अटैच टू द सबट्राटम इन द एडल्ट स्टेज, कौन हम ना से सबट्राटम सहित लास्ट एडल्ट स्टेज में सब लगिकी रही थे, धर बॉडी एटा सबट्राटम तले कौन थी ना लगिकी रही थे। बॉडी बिकेम्स ब्रांचड बाय बडिंग एंड दे बिकेम कॉलोनियल, कौन हम ना जिते शरीर वृद्धि हम तर सब कौन ब्रांच लाइक बड़ भाया सब बाहर आउ से माने कॉलोनी फॉर्मेशन करके रहिबे, सिंगल न रहिकी कॉलोनी रे एकत्रित होइकी रहितबे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर ग्रेड, माने तांकर बॉडीटा केमिति तयारी हेछि ना सेल मानको सब नेके तयारी हेछि, नो टिश्यू फाउंड, से मानकर टिश्यू नै पचारे देथिबो। व्हिच फाइलम डज नॉट हैव टिश्यू, सेटा हबो कोन पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम रे कोन हुए जेहेतु मल्टी सेलुलर किंतु ए मानकर टिश्यू नै।
इच बॉडी सेल फंक्शंस इंडिविजुअली सेल्स हैव नो कोऑर्डिनेशन से मानक भितर कौन ना समन्वय रिलेशन कौ सेल सहित नथिबो समते कौन ना सिंगल सिंगल से माने निज निजर काम करती। टू टाइप्स ऑफ पोर्स अकर ऑन द बॉडी एम शरीर जेहेतु कौन ना पोर बा कौन कणा गुड़िक अच्छी दुई प्रकार अच्छी गोटे माइन्यूट इन करेन्ट पोर कॉल्ड ऑस्टिया एंड लार्ज सिंगल एक्स करेन्ट पोर कॉल्ड ऑस्कुलम तांक पाखरे जो कौन अच्छी ना पोर थाए से दुई प्रकार गोटे छोट हूँ कौन ना छोट जो कणा कणा कहते ऑस्टिया बड़ जो कणा पोर गुड़ी कहते ऑस्कुलम हेन्स स्पंजेस आर सपोज टू हाव सेभेराल माउथ्स से मानकर कौन ना पार्टी बहुत गुड़िए थाए बहुत कणा कणा से सब गोटे गोटे माउथ भाया कम कैर बट वन एक्जिट तर एक्जिट पर गोटे मल द्वारा गोटे थी कि माउथ बहुत थी। द इंटेरियर कैविटी ऑफ द स्पंजेस बॉडी द इंटेरियर कैविटी ऑफ द स्पंज बॉडी इज स्पंजोसील से स्पंज मानकर शरीर में जो स्पेस थी कैविटी थी ताकु कौन कहा जाए ताना होची स्पंजोसील एटा भी गोटे इम्पोर्टेंट और पारागैस्ट्रिक कैविटी बोली कहते बॉडी भितर जो फांका शून्य स्थान सब थाए तार ना स्पंजोसील बा पारागैस्ट्रिक कैविटी बोली कहा जाए। स्पंजेस पोजेस ए स्पेशियल सेल कॉल्ड एज चोआनोसाइट और फ्लाजेलेटेड सेल्स व्हिच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ स्पंजोसील और लाइनिंग ऑफ द स्पेशियल काइंड ऑफ कैनल कौन ना स्पंजेस मानकर शरीर भितर गोटे स्वतंत्र प्रकार कोष थाए जार ना होची चोआनोसाइट और फ्लाजेलेटेड सेल एमती पड़ी थी चोआनोसाइट कहाँ पाखरे प्रेजेंट अच्छी ना स्पंज बा पोरीफेरा मानक पाखरे प्रेजेंट अच्छी ये भी गोटे इम्पोर्टेंट। तापर इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पंजेस देयर इज ए कैनल सिस्टम आमर सब विभिन्न सिस्टम अच्छी सेमती गोटे कैनल सिस्टम थाए बा केनाल सिस्टम थाए कहते ए वाटर करेन्ट एंटर्स थ्रू द डिफरेंट पोर एंड केनाल्स ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन धर ये गोटे कौन ना पोरीफेरा भितर कौन सब कणा 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 थी ये कणा बाटे फूड आउ कौन ना एयर कौन कर एंटर कर केनाल सर्कुलेट होकर डिफरेन्ट सेल पाखे पहुँच द आउट गोईंग अफ व्वाटर टेक्स आउ ए कार्बन डाइअक्साइड जितेबाला कौन हम ना जितेबाला बडी भितर को फूड आउ व्वाटर पशिला सब कम सर जो बाहर को जीव कौन नहीं व्वाटर सांगे ना कार्बन डाइअक्साइड एस्क्रेटरी वेस्ट रेचन जो एस्क्रेटरी कौन ना आम जो सब अपद्रव्य सब थी सी नहीं जोटा अनयूज मेटेरियाल अनडाइजेस्टेड फूड रिप्रोडक्टिव बॉडीज ये सब नहीं बाहर को पलिथ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर जमी आम मान पाखे स्केलेटन अच्छी आमर सब स्केलेटन कार्ड या बोन एंड कार्टिलेज रही किंतु से मानकर स्केलेटन स्पिक्यूल्स आउ स्पंजिन फाइबर रे तैयारी होई एटा भी गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पोरीफेरा मानक एनिमल मानकर स्केलेटन कार्डरे तैयारी होई ना स्पिक्यूल्स आउ स्पंजिन फाइबर रे तैयारी होई इम्पोर्टेंट पॉइंट सब कौन करेंगे ना नोट्रे मेनसन करके चलिए बाबू यही जो बुक्र फोटोटा को कौन करी मो टेलीग्राम ग्रुप देदेवी जे टेलीग्राम जॉइन कर नव ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जैसे जॉइन कर नव दे लैक माउथ एंड एलिमेंटरी केनाल एंड द डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर जेहेतु बहुत गुड़े पोर अच्छी कौटा माउथ कहीं कहीपरें से ट्रू माउथ आबसेंट थाए आर आलिमेंटरी केनाल भी न थाए आमर जमी कौन अच्छी ना आलिमेंटरी केनाल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल केनाल बोली कहते जोटा को खाद्य नली कहती सेटा ना डाइजेशन हो इंट्रासेलुलर मान सेल भितर हो इंट्रासेलुलर मान डाइजेशन सब सेल भितर हो देयर इज नो सिलम नर्भस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एस्क्रेटोरी सिस्टम तांकर बॉडी भितर ना बॉडी कैविटी अच्छी ना नर्भस सिस्टम अच्छी ना सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छी ना एस्केटोरी किसी सिस्टम न थाए से माने प्रिमिटिव बहुत सिंपल से मानकर ए सब सिस्टम डेवलप है ना एबे आसला कौन से माने केमिति कौन वंश वृद्धि करिवे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तांकर जो अलिंगी जनन कहा द्वारा होची बॉडिंग रे होची माने तांकर बड़ गोटे बाहरिबो धर कौन है ना ये गोटे साइकन साइकन ने गोटे एमिति बड़ भलिया बाहरिबो धीरे धीरे ये बड़ कौन कर आकार बढ़ी 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 मातृ शरीर कौन ना विच्छिन्न होती बड़ी एंड गेम्यूल फॉर्मेशन
ପରିଫେରା ମାନଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ ବା ଆସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନଟା ବଡ଼ିଂ ଆଉ ଗେମ୍ୟୁଲ ଫର୍ମେସନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦେ ହାଭ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ରିଜେନେରେସନ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଫେରାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଫେରାର ଆନିମଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅଛି, ବା ସେମାନେ ନିଜ କୋଷରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଜ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଜୀବ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଗଲା, ତାପରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଅକର୍ସ ବାଏ ଦ ଫର୍ମେସନ ଅଫ୍ ସ୍ପର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଓଭମ୍। ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ମକୁ କୁହନ୍ତି ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ, ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ ଏଗ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ ବା ଓଭମ୍, ସେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଓଭମ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଉଛି। ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଓଭମ୍ କ'ଣ କରିବେ, ୟୁନାଇଟ୍ ହୋଇଯିବେ, ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୋଇକି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଜାଇଗୋଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପେସିସ୍ ଆର୍ ମୋନୋଇସିୟସ୍, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏକ ଲିଙ୍ଗି ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ୟୁନିସେକ୍ସୁଆଲ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ବଟ୍ ନୋ ଡେଫିନେଟ୍ ଗୋନାଡ୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ। ଗୋନାଡ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ, ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ୟୁନିସେକ୍ସୁଆଲ ହେଲେ ବି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଇଣ୍ଟରଲାଇନ, ମାନେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ, ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ ବା ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଓଭମ୍ ମିଶିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ। ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ଭିତରେ ହେଉଛି ବା ଓଭାରି ଭିତରେ ହୁଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେବ, ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନରୁ ଏଗ୍ ହେଇକି ବେବିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଜାଇଗୋଟରୁ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ହେବ, ସେଇ ଏମ୍ବ୍ରିଓର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉଛି ୱିଥ୍ ଏ ଫ୍ରି ସୁଇମିଂ ଲାଭା କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଆମ୍ଫି ବ୍ଲାଷ୍ଟୁଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜାଇଗୋଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେବି ନ ହେଇକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଆମ୍ଫି ବ୍ଲାଷ୍ଟୁଲା ବା ତାକୁ ପାରେନ୍ କାଇମୁଲା ବୋଲି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି। ସ୍ପଞ୍ଜେସ୍ ଆର୍ ଫ୍ରି ସୁଇମିଂ ଇନ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ ବଟ୍ ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଇନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ମାନେ ସ୍ପଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପହଁରି ବୁଲି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେ କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ଦୁଇ ତିନିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ କରିବେ ମନେ ରଖିଦେବେ। ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଉଛି କିଏ ନା ପୋରିଫେରାର ହେଉଛି ସାଇକନ, ଲ୍ୟୁକୋସୋନେଲିଆ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ନା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଢ଼ିଲେ, କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ପେସିଆଲ ସେଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ହେଉଛି, ସବୁକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ, ନୋଟ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିଚାଲିବେ। ବାସ୍ ଏଇଟା ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।